आंदे मेरे शौन आंदे मेरे प्यार तो फिर तबर सामने आज विशेष तो एल जानू अब मैं जम्मू रात घरी घाम झिलगने सिपरासन सिटी में और मैं पूछ गया छूँ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट भी अब मैं जानू जम्मू में बहुत भल लागने तीम थे यू शब्द दिखोन मा आई सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जम्मू तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है। वहाँ पर मैं देखूँगा सबसे पहले रघुनाथ टेम्पल जी और वहाँ पर भी जो भी होगा वो सब मैं दिखाऊँगा। तो ये देखिए हमारे प्लेन अब दिल्ली से उड़ चला जम्मू की ओर और ये जा रही है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा होगा आप तो कैसे जो है प्लेन जा रही है जम्मू की पूछ गया छू मैं जम्मू जम्मू भी अब जोल सिद्ध होटल होटल भी जोल रघुनाथ टेम्पल चैन यह है रघुनाथ टेम्पल की जय। अभी हम लोग पहुंचे हैं जम्मू में रघुनाथ टेम्पल वाओ यू छू रघुनाथ टेम्पल जम्मू में रघुनाथ टेम्पल इधर आ जाओ पूरा यहाँ पर देखो सब जगह है शिव मनो तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह व उनके पुत्र महाराज रणवीर सिंह द्वारा 1856 से लेकर 1860 के बीच में निर्माण हुआ। ये मुख्य मंदिर है। इसमें भगवान राम रघुनाथ भगवान विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। मंदिर 7 शिखरों में है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ पर स्थापना किया गया है। बहुत ही आनंद आता है और मेरे लिए ये अत्यधिक सौभाग्य की बात है। ये सब दिखा पाने में मैं सफल हो रहा हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे हर की पौड़ी मंदिर की ओर। तो राजा ने बाण निकाला जैसे जो मारना चाहा तो उसने देखा कि शेर के सामने बिल्कुल बकरी पानी पी रही है। तो राजा लोगों के भी दिमाग बहुत फास्ट होते थे। उसने बोला यार जो शेर एक बकरी को नहीं खा रहा तो इसको मैंने भी मारना नहीं चाहिए। समझे बात मेरी। उसने नहीं मारा इसको।
तो अभी हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में हर की पौड़ी, एक जगह है जहां पर राजा, जम्मू के राजा ने ये स्थान बनाया है, बहुत ही सुंदर स्थल। और यहीं पर जा रहे हैं। कहा ये जाता है कि जब जम्मू का राजा यहां पर आए थे तो शिकार करने के लिए आए थे, तो एक शेर को जब वो शिकार कर रहे थे तो देखा कि शेर के सामने तो एक बकरी है, लेकिन शेर बकरी का शिकार नहीं कर रहा, तो मैं शेर का शिकार क्यों करूँ। इसी पर आधारित है यहाँ का मंदिर की कहानी। तो ये रहा तो मंदिर प्रांगण में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर जाकर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा पूरे हिंदू देवी देवताओं का मुझे देखने को मिला, बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पर आकर ऐसा लगा जैसे कि सभी देवी देवताओं का दर्शन हो गया। किला है सामने, किला नहीं है, तो किसी राजा जी की कचहरी लगती थी। अच्छा, तो कस लगे भल लगे। तो इसी तरह से चेचुआ चैनल में कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। तुक्की कलाती मदाकार चे चौआ, धन्यवाद।